हजरत ईसा अलैहि सलातो सलाम देखदे कीने पत्थर फट जांदा है। एक बजुर्ग उठे बैठ के अल्लाह दी इबादत और रियाजत पे करदा है, अल्लाह दी इबादत और रियाजत कर रहा है। हजरत ईसा अलैहि सलातो सलाम पूछ दे रहे, ऐ अल्लाह दे बंदे दस्त सही इत्थे बैठी हो या कितनी देर हो गई है? ओ कहंदे ने अर्ज कर दे रहे, मैनू 400 साल हो गए दे, 400 साल गुजर गए ने, इत्थे बैठ के अल्लाह दी इबादत कर दिया होया। जो इनी गल हजरत ईसा अलैहि सलातो सलाम ने जो पूछा है तो रब दी बार कह हजरत ईसा अलैहि सलातो सलाम अर्ज कर दे रहे, ऐ अल्लाह फिर इस तो प्यारा बंदा ते और कोई नहीं होना, ऐ सब तो प्यारा है, ऐ सब तो प्यारा है। हजरत ईसा अलैहि सलातो सलाम ने जो इनी गल की थी, रब वलो कमाया ऐसा नाना ऐसा नाना, फरमाया ऐसा तू जानदा ने इस तो भी वध के मेनू प्यारे लगदे रे। आज ये वो रात है जिस रात को मेरे पाक नबी आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आज की रात शबे बारात के हवाले से ये महफिल पाक है कि शबे बारात की रात को रब ताला वहदहुला शरीक पहले आसमान पर आसमाने दुनिया पर तशरीफ लाता है और रब की रहमतें आवाजें दे देकर कहती है कि है कोई बख्शिश मांगने वाला, आज उसके गुनाहों को बख्श दिया जाए। बोलिए सुभान अल्लाह। और पाक नबी आका इमामुल अंबिया के गुलामों जरा तवज्जो से समाअत कीजिएगा, शबे बरात की रात वो रात है जिस रात में अल्लाह की रहमतें आवाजें देती हैं, गुरूब आफ्ताब से लेकर तुलुए फजर तक अल्लाह की रहमतें आवाजें देती हैं, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आवाजें देते हैं, है कि रिस्क मांगने वाला उसे रिस्क दिया जाए, है कोई बे औलाद उसको औलाद दी जाएगी, है कोई बख्शिश मांगने वाला तो उसे बख्शिश अता कर दी जाएगी। और खालिक के कायनात जल्ला जलालुहू की रहमतें आवाजें देती हैं, लेकिन कोई वही मुकद्दर वाला है जो मेरे पाक नबी आका इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि इस रात को इबादत और रियाजत जो करता है वो बड़े मुकद्दर वाला है। और फिर सुनिए मेरे पाक नबी आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, इस रात को कुछ आदमी ऐसे हैं जिनकी बख्शिश नहीं होती है, कीना परवर जो दिल में बुग्ज रखता है और मुशरक की बख्शिश नहीं होती है, बाकी जितने भी हैं अल्लाह की रहमत तौबा कर ले, पक्की तौबा करे तो रब ताला उसकी भी बख्शिश फरमा देता है। लेकिन इस रात का अमल बस मेरे पाक नबी का जो अमल है उसको उस पर एक हदीस पाक बस अर्ज करना चाहता हूँ, आपकी तवज्जो करी तवज्जो का तालब हो। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे पाक नबी आका इमामुल अंबिया शबे बरात की रात सज्जदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रही हूं, आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा शरीफ से बाहर तशरीफ ले गए हैं, मैं तलाश करने लगी कि आका कहाँ चले गए हैं। जब ये तलाश कर रही हूं तो मैं देखती क्या हूं, मेरे पाक नबी आका इमामुल अंबिया जन्नतुल बकी में मौजूद है। बोलिए सुभान अल्लाह। जन्नतुल बकी में मेरे पाक नबी आका इमामुल अंबिया मौजूद हैं और दुआ कर रहे हैं सैयदा तय्यबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा। आप पहुंचती हैं आका की बारगाह में, अर्ज करती हैं आका आप यहां तशरीफ रखते हैं, मेरे पाक नबी आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरमाया आयशा तुझे क्या ये लगा है कि मैं
अल्लाह और उसका रसूल तेरे साथ कोई नाइंसाफी करेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह और उसका रसूल तेरे साथ नाइंसाफी नहीं करता, बल्कि आज शबानुल मुअज्जम की 15वीं रात है। इस रात को रब ताला मेरी उम्मत के लोगों की बख्शिश फरमाता है। आ फिर तेरे और मेरे पाक नबी आका इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो, जरा तवज्जो नाल समात फरमाया जे मेरे पाक नबी आका इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह सैयदा तय्यबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप पहुंचिया ने, आप पहुंचिया ने, अर्ज कर दिया ने आकाया जे तुसी इत्थे तशरीफ रखदे हो। मेरे पाक नबी आका इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरमाया आयशा शबानुल मुअज्जम दी 15वीं रात अज रात रब ताला मेरी उम्मत गुनाहगारा दी बख्शिश फरमाएगा। आ फिर किया तेरे ते मेरे पाक नबी आका इमाम अंबिया फरमा दे रे ऐशा जदी रात ऐसी रात ऐसी रात ए ओ रात जिस रात नो अल्लाह मेरी उम्मत गुनाहगारा दी नियां दी बख्शिश फरमांदा है। बनू कलब दियां बकरियां दे बालां दे बराबर मेरी उम्मत गुनाहगारा दी बख्शिश फरमांदा है। आ फिर इतनी गलिया मेरे पाक नबी आका इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरमाया शाबाज़ शहरे फरमाया लोगो शबाल मेरा महीना है। ए ऐसा महीना मेरे पाक नबी आका इमाम अंबिया नाल इस महीने नु निस्बत हो गई है, निस्बत ये निस्बत ही कर चली है। ए महीना मेरे पाक नबी आका इमाम अंबिया दा महीना है। मेरे पाक नबी ने फरमाया लोगो रमजान अल्लाह दा महीना है, शबान मेरा महीना है। आ फिर मेरे पाक नबी आका इमाम अंबिया नाल इस महीने नु निस्बत हो गई है, इस वास्ते क्योंकि महीना भी मुकद्दरा वाला हो गया है। अगर अबू बकर नु मेरे पाक नबी आका इमाम अंबिया नाल निस्बत होए तो सिद्दीक अकबर बन जाते रे। अगर फरूक आजम नु मेरे पाक नबी आका इमाम अंबिया नाल उमर बिन खत्ताब नु मेरे पाक नबी दे नाल निस्बत हो जाए तो फरूक आजम बन जाते ने। अगर उस्मान गनी नु मेरे पाक नबी दे नाल निस्बत हो जाए तो जिन्नू रैन बन जाते रे। अगर मौला मुर्तजा शेरे खुदा रज़ी अल्लाह तआला आप नाल निस्बत हो जाए तो हैदर करार शेरे खुदा बन जाते रे। इस वास्ते शायर ने बड़े खूबसूरत तर्जमा लिखी थी, शायर आंदा जिन्हों मिल जाए कुर्बत सौ देंदी, जिन्हों मिल जाए कुर्बत सौ देंदी ओ रब ते करीब जादा है, जिन्हों मिल जाए कुर्बत सौ देंदी, जिन्हों मिल जाए कुर्बत सोने दी ओ रब दे करीब हो जांदा है। जेड़ा होवे दूर मुहम्मद तो ओ रब तो भी दूर हो जांदा है। फरमाया इस महीने नु निस्बत है मेरे पाक नबी नाल, इस महीने नु निस्बत है पाक नबी नाल। मेरे पाक नबी दे गुलामो सुनो, मेरे पाक नबी आका इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल निस्बत होई ते ओ महीना है जिहड़ी शबे बारात दी रात आउण वाली है ना, ये बड़ी मुकद्दरा वाली रात है। सुनो इस दे बस एक फजीलत अर्ज करना चाहना वा कि इस दी फजीलत किन्नी को आई। हजरत ईसा अलैहि सलातो वस्सलाम, हजरत ईसा अलैहि सलातो वस्सलाम आप एक दफा सैर से निकले थे, अल्लाह दा नबी बड़ा खरामा खरामा चलता पे आए। बोलो सुभान अल्लाह।
अल्लाह का नबी चलते पे ने, अल्लाह के नबी चलते जा रहे ते एक जगह ते पहुंचे तो बड़े खूबसूरत पत्थर वेखे आए, बड़ी खूबसूरत पत्थर वेखिया ते वेख के टिकटिकी ला के अल्लाह के नबी वेंदे ने, बड़े प्यार दे नाल वेंदे पे ने। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, उलमा अहले सुन्नत। माशाल्लाह ये उलमा साढ़े सिरां दे ताज ने, माशाल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना मुहम्मद रशीद कादरी अब तशरीफ लाए। अल्लाह ताला बारगाह च दुआए मालिक के कायनात इन्हां दा साया ता देर साढ़े सिरां ते कैम उदैम फरमाए। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे पाक नबी आका इमाम अल-अंबिया फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, ज़रा तवज्जो का तालब हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम गए, देखते हैं पत्थर को बड़े, और रब की तरफ से आवाज़ आई, ऐ ईसा परेशान ना हो, बड़ा ताज्जुब कर रहे हो, फरमाया इससे भी तुझे एक अजीब चीज ना दिखाएं। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी अर्ज करते ने, या अल्लाह जरूर दिखा। थोड़ी देर गुजरी, अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आप वेखते की ने, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आप वेखते की ने कि पत्थर फट जाता है। सुभान अल्लाह, बोल छोड़ो सुभान अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम देखते की ने पत्थर फट जाता है। एक बुजुर्ग उठ बैठ के अल्लाह की इबादत और रियाजत पे कर रहा है, अल्लाह की इबादत और रियाजत कर रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पूछ दे रहे, ऐ अल्लाह दे बंदे दस्त सही इत्थे बैठी हो या कितनी देर हो गई है? ओ कहंदे ने, अर्ज कर दे रहे, मैनू 400 साल हो गए ने, 400 साल गुजर गए ने, इत्थे बैठ के अल्लाह की इबादत कर दिया होया। जो इनी गल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो पूछा है तो रब दी बार कह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज कर दे रहे, ऐ अल्लाह फिर इस तो प्यारा बंदा ते और कोई नहीं होना, यही सब तो प्यारा है, यही सब तो प्यारा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो इनी गल की थी, रब वलो कमाया ऐसा नाना फरमाया, ऐसा तू जानदा ने इस तो भी वध के मेनू प्यारे लगदे रे। फिर तेरे तो मेरे पाक नबिया का इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम जरा सुनिया जे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जदों ये पुछदे ने, ऐ दसो ते से बुजुर्गो की होया है, कितनी देर तो इबादत कर रहे हो, 400 साल हो गए ने इबादत कर दिया होया, 400 साल इबादत कर दिया गुजर गए ने, या अल्लाह मेरे ना तो प्यारा ते कोई नहीं, इस तो ज्यादा प्यारा ते कोई नहीं। फरमाया ऐसा नाना मेरा नबी आखरू जमा मुहम्मद मुस्तफा होणगे, ओना दा उम्मती होवेगा, ओना दा उम्मती होवेगा, ओना दा उम्मती होवेगा। शबे बरात दी रात होवेगी, शबान दी 15वीं रात होवेगी, और शबान दी 15वीं रात नो तो रकत नमाज नफल अदा करेगा। रब तारा 400 साल इबादत तो ज्यादा अजरो सवाब मिल जाएगा, ताला 400 साल इबादत तो ज्यादा अजरो सवाब नानु अता फरमाएगा। फरमाया मेरा फरमाया मेरा महबूब होवेगा, आखिर जमान नबी होंगे, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। फरमाया ओ उन्हें एक ऐसी रात अता करांगा, ऐसी रात अता करांगा, शबे बरात की रात होगी,
फरमाया उस रात मेरे महबूब दायंपति दो रकत नमाज नफल पड़े दो रकत नमाज नफल पड़ेगा उस महबूब की वजह तो उन्हें 400 साल इबादत का अजरो सवाब दियागा इशारा के स्वास्ते और क्यों अजरो सवाब प्या मिलेगा है मेरे महबूब का सदिका मिलेगा है दो रकत नमाज नफल पढ़ने वाले 400 साल इबादत का सवाब दे फिर असी क्योंकि मेरे पाक नबी आका इमाम अंबिया की निस्बत की वजह तो मेरे पाक नबी दे दरे अकदस ते सहाबा जांदे सन हर वक्त इस वास्ते मेरे पाक नबी की बारगाह च बैठे रहते सन क्यों कि मेरे पाक नबी का दर ही ऐसा है उतो जो भी मंगोगे रब अता कर देता है इस वास्ते असी आका इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दरे अकदस ते अजमत शान बयान कर दिया सी ए आकांगे सदा बसदा रवे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह सदा बसदा रवे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह जिथे हो ते गरीबादा गुजारा या रसूल अल्लाह जिथे हो ते गरीबादा गुजाराया रसूल अल्लाह जिथे हो ते गरीबादा गुजाराया रसूल अल्लाह मेरे पाक नबी आका इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो मेरे पाक नबी दा दर ओ दर रे जो भी मंगोगे रब अता फरमा देता है अल्लाह दी बारगाह च दुआ है अल्लाह तुहाडी ते मेरी हाजरी कबूल फरमाए आमीन आमीन सुब्हान